सुहैल जी अस्सलाम वालेकुम। एज पर प्रॉमिस वी आर बैक विद द पार्ट टू। आज फिर मैं दोबारा से लाहौर जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, तो वो एप्लीकेशन की उम्मीद है अप्रूवल होगी। उन्होंने कहा था कि आपके पास हम आपसे दो दिन का टाइम लेंगे और दो दिन बाद आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो उसका उन्होंने दो दिन का टाइम दिया था अप्रूवल का, तो उम्मीद है कि वो अभी तक अप्रूवल हो चुकी होगी। और इसके बाद इसी तरह भी हमारी बाइक दो से दिन में पंचर हुई थी और अभी फिर से पंचर हो गई है। तो अभी एक नाइट ट्यूब डलवा के वी विल कंटिन्यू टू द लाहौर। ओके, कितना रुपए है? 200 क्या? 3000 3000. So this is the nation charpai of Pakistan. It brings us all together when Mopta is not coming slow. Is leani on the. So there is one thing that you won't going to understand ke is mulk ke andar hamesha aapki majboori se faada uthaya jata hai ke bajaye iske ki ek islami riyasat hai yahan par apne bhaiyon aur matlab jitni bhi aapke waam mein usko facilities di jaye, lekin yahan par aapko hamesha aapki majboori se faada uthayenge. Aap faada is tarah uthate hain ke ek wahi kaam jo aapka ek normal market ke andar एक नॉर्मल रेट के ऊपर हो रहा है, लेकिन वही काम अगर आप एक ऐसी जगह पर करवा रहे हैं जहाँ आप उस कराओ की फैसिलिटी नहीं है, तो बंदा आपसे ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा चार्ज करेगा। तो फिर हम अपने हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं कि भाई हमारे हुक्मरान इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, या जब हम अपने मुल्क के लिए हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो हमारे हुक्मरान भी हमारे ऊपर वैसे ही होंगे ना। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो एक कौमी तरक्की होती है एक फर्दी तरक्की होती है। अगर एक फ़र्द अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होगा तो भाई हुक्मरान फिर कैसे मुखलिस होंगे मुल्क के साथ आपके। लेकिन यहाँ देखो, ये वो चीज़ है जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए और दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए। और इस्लाम ही हमें हमेशा भाईचारे का ही दर्श देता है। खैर, ये बातें तो एक साइड में है। तो अभी फिर उसकी हमारी बाइक की सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, तो वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी टू एट द लाहौर। तो चलते हैं साथ साथ, फिर आ जाओ। अच्छा तो यार, अभी मैं तकरीबन 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंचा था यहाँ पे, और अभी आकर मुँह वगैरह धोया है, काफ़ी मिट्टी वगैरह रास्ते के अंदर पड़ गई थी। तो अभी यहाँ से फाइल उठानी है, उसके बाद आगे मज़ीद देखते हैं कि फाइल के अंदर अप्रूवल आया है क्या नहीं। सर, असल में फाइल के ऊपर ये भी एक ऑब्जेक्शन आया कि उन्होंने ऊपर लिखा है कि जो बुक सर्विस है वो मुतलका फैक्ट्री के अंदर 3 साल से कम है। तो अगर सर्विस 3 साल से कम हो तो वर्कर कोटा अप्रूव नहीं होता। बाकी यार होप सो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अप्रूव हो जाए। बाकी यार सर, एडिटर थोड़ा सैड म्यूजिक चलाना है यहाँ पर, सही है काफ़ी इतना। बाकी यार देखो क्या बनता है, इंसान तो हमेशा अच्छे के सोच के आता है और अल्लाह आगे से इंसान के लिए आसानी पैदा करता। तो अभी अबू गए हो मैं अंदर, होप सो उम्मीद है कि फाइल अप्रूव हो जाए। तो यार फाइल अप्रूव हो गई तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो बस फिर क्या कर सकते हैं। अभी अब कोई कॉल आ रही है, देखती जगह क्या बना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी जो मेन मसला था ना एप्लीकेशन के अंदर, वो था कि अबू के 3 की सर्विस कम्प्लीट नहीं हुई। मतलब सर्विस उनकी काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन जो फैक्ट्री में भी वो काम कर रहे हैं ना उसके अंदर में 3 की सर्विस कम्प्लीट नहीं हुई। तो अगर आप उसको कम्प्लीट करना है तो उसके जो उनकी रिसेंट प्रीवियस फैक्ट्री थी ना उसका एक सर्विस लेटर लगेगा, उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी और फर्दर काम चलेगा। लेकिन अभी कल तो हफ्ता है तो उसको तो दफ्तर बंद होगा। वी विल ट्राई टू मंडे, तो फिर आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।